नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। राम रहीम के पास से मिला इतना पैसा, जानकर हो जाएंगे हैरान। जांच के दौरान सामने आए राम रहीम की बेहिसाब संपत्ति। रेप के केस में जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और उनकी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत इंसा के बैंक खातों में पैसों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार डेरा के 504 बैंक खातों में, जी हां आपने सही सुना, 504 बैंक खातों में करीब 75 करोड़ की संपत्ति मिली है। वहीं सिरसा में 1435 करोड़ की अचल संपत्ति का भी पता चला है। हरियाणा सरकार की जांच में डेरे की इन संपत्तियों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राम रहीम के 12 बैंक खातों में 7,72,00,000 रुपये मिले हैं और साथ ही हनीप्रीत के 6 बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये मिले हैं। जांच में राम रहीम की प्रोडक्शन कंपनी के कई बैंक खातों का भी पता चला है। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ट्रस्ट की अध्यक्ष विपासना इंसा सोमवार को पुलिस जांच में शामिल हुई और इस बात का खुलासा किया कि हनीप्रीत इंसा 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा के बाद सिरसा आई थी। विशेष जांच दल SIT की अध्यक्षता कर रहे DSP कुलदीप बेनीवाल के सामने विपासना जांच में शामिल हुई। तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक पूछताछ के बाद विपासना ने बताया कि उसने हनीप्रीत को रोहतक से सिरसा पहुंचाने के लिए एक SUV का इंतजाम किया था और जिसके बाद से हनीप्रीत का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि यह बाबा लोग किस तरह अंधविश्वास फैलाकर आम जनता के पैसे से ठाट बाट से रहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।